This program is brought to you by IndianFunkar.com. हेलो एवरीवन, मैं किरण शिबाग, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और आज मुझे इंडियन फनकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकती हूँ। तो आज मैं जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ वो होगी कुछ शायरिया, कुछ होगी प्यार पे और कुछ होगी हार्ट ब्रेक पे, जो दिल टूटता है, जो फीलिंग होती ना उस पर। तो पहली जो मेरी शायरी है वो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस लवर्स के लिए है। ऑफ कोर्स आपके ग्रुप में भी आप शायद या आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में होगा। तो उन्हीं के दिल को सुकून पाने के लिए ये है, कुछ इस तरह है। प्यासा है दिन यहाँ, प्यासी ये रात है। प्यासा है दिन यहाँ, प्यासी ये रात है, कि हम दूर होके भी साथ है, बस प्यारी की तो बात है, बस प्यारी की तो बात है। उसके बाद दैट्स नेक्स्ट, जिसका नाम है फ़र्ज़ करो। फ़र्ज़ करने का मतलब होता है इमेजिन करो। तो जो आपका लवर है वो अभी आपके साथ नहीं है पर आप उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करो इस तरह से है कुछ, फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, फ़र्ज़ करो कि अगर यूँ होता तो क्या होता, मैं आँखें बंद करती और आँखों में तेरा ही ख्वाब होता। इसी तरह से कुछ और फ़र्ज़ करता है वो, फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, तुझे याद करते और मेरे इन हाथों में तेरा वो हाथ होता। कुछ इस तरह, फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, तुझसे इस कदर प्यार होता कि तुझसे मेरा जिंदगी भर का साथ होता, जिंदगी भर का साथ होता। फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, मेरी मौत होती और जनाजे में तेरा ही नाम होता। फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता, फ़र्ज़ करो कि यूँ होता तो क्या होता। उसके बाद ये जो शायरी है वो उस पर, कभी कभी किसी का सिर्फ साथ होना और हम बहुत कुछ कर जाते हैं, मतलब अगर वो इंसान हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। ये हमारी फीलिंग होती है, भले पूरी दुनिया ना हो हमारे साथ, बस वो इंसान हो। तो उसी पे ये शायरी है, करीब। नाराज़ हो चाहे खुदा, दुनिया भले रकीब हो, रकीब मतलब खिलाफ। तो नाराज़ हो चाहे खुदा, दुनिया भले रकीब हो, उफ ना करूँ होठों से मैं, बस तू अगर करीब हो, बस तू अगर करीब हो। अब ये जो है वो कुछ ऐसी है कि जब हम किसी को बेइंतहा चाहने रखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इंसान हर जगह हमारे साथ हो और हम उसे खुदा से भी ज़्यादा ऊपर समझने रखते हैं। तो कुछ इस तरह है ये, खुदा करे, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा से पहले जुबां पर बस तेरा ही नाम आए, बस तेरा ही नाम आए। फिर एक जो है ये दिल के हाल पे है। हमें ये बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पर उनसे ब्रेकअप होने में इतना दर्द नहीं होता, पर अगर दोस्त से ब्रेकअप होना तो ज़्यादा दर्द होता है। तो कुछ इस तरह है ये दोस्त से ब्रेकअप के लिए। जब कभी किसी का यार जुदा होता है, जब कभी किसी का यार जुदा होता है, मत पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है, दिल का हाल बुरा होता है। अब जब यार के लिए है तो प्यार के लिए भी होगा। जब कभी किसी का प्यार जुदा होता है, जब कभी किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है, दिल का हाल बुरा होता है। अब ये कुछ ऐसा है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं पर वो हमारे प्यार को समझ नहीं रहा है तो हम उसके लिए रोते हैं क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते, पर उसके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुछ इस तरह से है, कहीं किसी रोज़ यूं भी होता हमारी ये हालत तुम्हारी होती, कहीं किसी रोज़ यूं भी होता हमारी ये हालत तुम्हारी होती, वो रात तुमने गुजारी होती जो रात हमने गुजारी रोकर। इसके बाद एक और है जो है, हमारा ब्रेकअप हो गया
और जो हमारा एक्स है उसने हमसे ब्रेकअप सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे कोई नया मिल गया अपने ज़िंदगी में, तो उसके ऊपर ये है। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझे अब मिल ही गया जो तेरा अपना था, है ना। तो बस आज इतनी ही थी मेरे पास, और जब इंडियन फनकार ने एक बार मौका दिया है तो आई सपोज कि मैं इसके बाद और ज़्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं पहले तो इंडियन फनकार को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरी ये शायरी और जो मेरा बोलने का अंदाज़ है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इंडियन फनकार के यूट्यूब पेज पर जाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यार बढ़ाइए। थैंक यू।